अरे चलो जानेमन, चलो जानेमन, क्या कर रहे हैं यार? हमने तुमसे बात करने को कहा था, तुम हमें साथ ले आए यार। सुनो, हम जा रहे हैं। इधर आओ ना, चलो। अरे आज फैसला हो करेगा कि तुम शरण जी के बच्चों के पापा बनोगे या मामा। ऐसी बात मत बोलो यार जालिम, हम तो पापा ही बनेंगे। रही बात शालिनी जी की, तो गुरु शालिनी जी तो क्या उनके पप्पा को भी पटा लेंगे। हाँ अच्छा, हाँ चल। अरे यार मरवाओगे क्या हैरत? मैं चलो ना। लगता गिनती पढ़ा रहे हैं अंदर। अरे नहीं नहीं, माल गिन रहे, नोट गिन रहे, मेरा तो सब मालदार निकला। क्या बात है, लो किस्मत का दरवाजा भी खुल गया। मुबारक हो भाई, आ जाओ। एक हजार नौ, एक हजार दस, एक हजार ग्यारह, एक हजार बारह, नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? तीन तरह से जवाब दूंगा, तंदुरुस्त हो, पहलवान हो, दंड बैठक लगा रहा हूं। अंकल ये राजेश है, शालिनी के साथ स्कूल में पढ़ाते हैं। तीन तरह से वेलकम करूंगा, अंदर आओ। बैठो, क्या पियोगे? जहर। कुछ नहीं अंकल, बस आपसे मिलने चला है, हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे आराम से भाई, उठो आराम से बैठो। मुझे तो तरस आ रहा है। इस पर? इस पर नहीं, उस बेटी के बाप पर जिसकी बेटी की शादी इस जैसे मरियल इंसान से होगी। तीन सवाल पूछूंगा जी। क्या तुम लोगों को मेरी बेटी ने बुलाया या तुम लोग बिना बुलाए आए हो? या तुम लोगों को मेरी बेटी से कोई काम है? बोलो। सर वो हमें तो पता रहा कि यहाँ पे एक बहुत ही महान पहलवान रहते हैं, तो सोचा कि आपसे मिलने चले आए, और राजेश को भी आपसे पहलवानी सीखनी थी इसलिए आ गए। तो तुम्हारे इस दोस्त को मुझसे पहलवानी सीखनी है जी, मुझे अपना गुरु बनाना है जी। अरे राजेश जी, आलोक जी, आप यहाँ? नमस्ते शालिनी जी। बेटी, इन दोनों में से ये जो मरियल सा इंसान है ना, इसमें मुझे जान फूंकनी है, इसे पहलवानी सिखानी है, ये मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है। लेकिन पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी। जी सर। क्या कर रहे हैं यार? सर। अरे नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा में मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें दंड बैठक लगाने होंगे। कितनी? ज्यादा नहीं, सिर्फ शगुन के 11। ये तो बहुत कम है। 51? थोड़ा और ज्यादा करो। 101? 1001। चलो शुरू हो जाओ। अरे महोदय, हमने तो सोचा था इस स्थान पर आकर हम पारितोषिक वेतन न मिलने के कारण प्रधान अध्यापक महोदय के समक्ष विरोध का प्रदर्शन करेंगे। अरे किंतु वो तो अनुपस्थित हैं। आएंगे, आते होंगे। अच्छा, लेकिन जैसे ही वो आएंगे, हाँ, हम उनके मुंह से सच निकाल के रहेंगे कि हमारा बोनस क्यों नहीं देते। किंतु महोदय, ये होगा कैसे? वाह, ऐसे होगा। ये क्या है महोदय? केमिकल, रसायन। और ये केमिकल जो इंसान खाएगा, हाँ, वो सच सच और सिर्फ सच बोलेगा। अच्छा, नार्को टेस्ट में भी यही इस्तेमाल होता है। एक बार हमने इसे खा लिया था। अच्छा, उसके बाद हमारी श्रीमती जी आई और पूछने लगी, कैसे लग रही हूँ? आपने क्या कहा? सच,
उसके बाद जो हमारी तुड़ाई हुई है, उसके बाद इसका असर तो चला गया, लेकिन आज तक हमारी तुड़ाई होती। महोदय, प्रत्यक्ष को ना प्रमाण की आवश्यकता होती है, और हमें तब तक प्रमाण नहीं मिलेगा जब तक इसका हम प्रयोग अपने ऊपर करके न देख लें कि ये काम करता है भी कि नहीं। प्रभावहीन है, कुछ नहीं है। पांच है, पांच चार मतलब तीन, क्या बात कर रहे हो, दो है सच। वो भूगोल वाले टीचर का क्या था? सुश्री रीता, आपको स्मरण है उनका? अपने विद्यालय में भूगोल पढ़ाती थी, जिनका स्थानांतरण लखनऊ में हो गया था। क्या है सत्संगी जी, हम जब भी उनको देखते थे ना, हमारे हृदय में प्रेम के फव्वारे फूटने लगते थे। हम क्या करें, आज तक किसी को नहीं बोलो, बोलो। एक बार हमने उनको प्रेम पत्र लिख दिया, उसके बाद उनके उत्तर में उन्होंने जो हमें खरी खोटी सुनाई है, तो हम क्यों बता रहे हैं? और तक नहीं बता। देखा, सच निकला ना, बस अब यही सच प्रिंसिपल साहब के मुंह से भी निकल जाए। अरे पहले हमें तो सत्य कहने से रोकिए, एक घंटे से पहले कुछ नहीं हो सकता। महोदय, एक सत्य कहें, क्या कोई आया है? अरे तो छुपो ना, मुझे क्या कह रहे? हटिए हटिए, अरे इधर नहीं उधर। कहाँ? अरे अरे कहाँ? अरे यहाँ। अरे ये क्यों उठाना है? जाने मन हजार बैठक लगाने के बाद हम ना उठक के लायक रहे, ना बैठक के लायक। आराम से। क्या राजेश, अरे प्यार के लिए रोक पहाड़ को चीर के उसमें से दूध की नदियां बहा देते हैं, और तुम इतने भी थक गए? अरे प्यार का मतलब ही कुर्बानी है। वो प्यार ही क्या जिसमें प्यार को पाने के लिए पापड़ ना मिले गए? अरे जानेमन, ये बैठक हमसे ना होगी यार। करना पड़ेगा, प्यार में जो आपको नहीं भी पसंद वो भी करना पड़ता है। वाह, दूसरों को नसीहत देना कितना आसान है ना? यहाँ खुद तो अपने प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ करने को रेडी नहीं है, और यहाँ इनको पाठ पढ़ा रहे हैं। राजेश जी, अब बिल्कुल आलू की बात मत सुनिए। अरे क्या कह रही हो आलू? अरे और क्या, एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तुम? समझ गई मैं, बदल गए हो तुम, अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। अरे सुनो तो। अरे किसी का कोई ना, ये दर्द, अरे अपने क्या करवा दिया यार तुमने। सर, पापा यहाँ कोई नहीं, वापस चले। लो, अजीब आदमी है, खुद बुलाया और खुद ही गायब है। रुकते हैं, लड्डू लाए हैं तो खिला कर जाएंगे। ये हमको डर लग रहा है। सॉरी जी, सॉरी, मैं लेट हो गया। जैसी सर पानी पियेंगे हम अंदर जाएंगे। हाँ, मिठाई। मिठाई, थैंक यू जी, थैंक यू। इस साल भी थैंक यू ही बोलेंगे कि पैसे भी देंगे। चुप रहो ना। बड़ी देर में हाथ में आई है मिठाई। आप लीजिए ना पानी। धन्यवाद। अब आप ठीक है ना दीदी? दीदी? अरे दीदी होगी तुम्हारी अम्मा, कम से कम 15 साल हमसे बड़े हो, दीदी बुलाने में शर्म ना आई? और अगर दीदी बुला ही रहे हो तो मुफ्त में हमारी मिठाई खाने में तुमको शर्म नहीं आई? सॉरी सॉरी। अरे काय का सॉरी, पिछले साल भी हमारी मुफ्त में मिठाई खा गए थे, जैसे कि तुम्हारे पिताजी वसीयत में लिखे गए। क्या बताऊं? पगड़ी।
लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है, अरे ब्याज जोड़ के देना चाहिए आपको। मैं क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। पगला गई हो क्या? अंदर क्या फालतू की बकर बकर कर रही थी? सच बता रहे दुर्गा, हमको खुद को नहीं मालूम कि हमारे मुंह से वो सब कैसे निकल रहा था। सच्ची मुच्ची देवियों, सत्य हम आपको सूचित करते हैं। अरे चुप मेरे बाल। रुकिए श्रीमान, इसका कारण है सत्संगी जी द्वारा निर्मित ये रसायन, जिसे ग्रहण करने के बाद मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है। अरे रुकिए श्रीमान, इस रसायन को हम लोगों ने प्रधानाध्यापक महोदय के जल में मिला दिया ताकि वो पी करके सत्य बता सके कि वो पारितोषिक वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। है? बोनस। रुकिए, परंतु दुर्घटनावश ये रसायन आप लोगों ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण तो हमने भी सब कुछ कर लिया है। अरे जे चल रहे यहाँ पे, भागो भागो। आभा, ये तो कमाल की चीज मिल गई है। अब देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमें पैसे देने के लिए कैसे झूठ बोलते हैं। हाँ दुर्गा, अब तो सब के सब सिर्फ सच बोलेंगे। चलो चलो चलो। हाय। अरे रुको ना, मैं तो तुम्हें हैप्पी दिवाली बोलने आई थी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब तुम जा रही हो या मैं जाऊं? मैं तो जाने ही वाली हूँ ना, और मेरे जाने के बाद तुम्हें घर को संभालना है, आलोक को संभालना। आलिया। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोल रही है। हैप्पी दिवाली। प्लीज नॉट अगेन। मैंने कहा ना आलोक जी मेरे टाइप की नहीं है। हैप्पी। हैप्पी? हाँ लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्यों? क्यों? अरे आलोक, तुम्हारे कहने पर और तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं आज भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने ये सब पहन लिया, पर मैं और नहीं कर सकता यार। अरे लेकिन क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने अच्छे लग रहे हो, है कि नहीं? और जब तुम ऐसे ऐसे चल के आ रहे थे तो भी कितने अच्छे लग रहे थे। अरे वो ऐसे 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 तो मैं सिर्फ स्टाइल मारने के लिए चल रहा था, लेकिन बाहर से जितना अच्छा लग रहा हूँ अंदर से मेरी पैंट और हालत उतनी ही टाइट है। पता कितने चुभ रहे हैं ये कपड़े, ये सब मैं और नहीं कर सकता ये सब। लेकिन आलोक। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। आलिया मत करो ये सब। क्यों अपने अच्छे खासे पति को बदलना चाहती हो? अच्छा खासा पति मतलब आलोक तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें मैरिज हॉल, घोड़ी, बैंड बाजा सब बुक करवा लूं? तुम्हें समझाना बेकार है। आई विश तुम समझ सकती। आई विश तुम भी समझ सकती, लेकिन अब तेरा क्या होगा आलिया? अब क्या करेगी तू? अरे 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 भदौरी आओ ना। हैप्पी दिवाली। अरे भाई 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 टूट जाएंगे वो। सॉरी सॉरी भूल गए भाई, सॉरी। आराम से आराम से। सॉरी भाई, गलती हुआ। बाकी गुरु है, जज बहुत रहे इन कपड़ों में। वाह शालिनी जी, देखेंगे ना तो बड़ा ही देंगे अपना हाथ गाल पे देने के लिए। एक काम करो भदौरिया, तुम हाथ आगे बढ़ा ही दो भाई दूज के लिए। ए, कुछ नहीं। ए, भाई वाह भाई वाह, आज तो लाइटों से ज्यादा टीचर चमक रहे हैं। ये चल रहे हैं अबे मोरे, बिरा दिए ना सर, इधर आइए। अच्छा बैठ ना, बैठी बैठी। महोदय का मुंह मीठा कराइए। सर मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। अरे बस इसकी क्या जरूरत। बस बस जीजू। सर कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए। कोल्ड। अरे जीजू जे चल रहा है यहाँ पे। प्रधानाध्यापक महोदय, आपको इस मंगलकारी, मंगल सूचक, पावन, पवित्र, रोशनी से भरे पर्व की हार्दिक बधाइयां हैं। अरे सर क्रिसमस तक की बधाई आज ही दे देंगे क्या? सर आपके लिए तोहफा लाए हैं। है? क्या लाया? अनार। अनार? अरे वो तो मेरा फेवरेट है। निकाल 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 निकाल। ये तो सुबह देंगे ना जूस बना के, दीदी का स्पेशल ऑर्डर है। बैठिए। अबे कौन सा अनार ले आया? अरे अनार तो पोमोग्रेनेट, आपको कल सुबह से जूस ही पीना है, कॉम्प्लीमेंट्री में सलाद मिलेगा। हैप्पी दिवाली सर। भाई क्या बात है, पटाखे वटाखे बहुत कम लग रहे हैं।
लगता है से नो टू क्रैकर्स को बड़ी सीरियसली ले लिए टीचर्स ने। आई प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। सर जब से नो टू बोनस होता है ना तो से नो टू क्रैकर्स हो ही जाता है। ये सबसे सही चीज हाथ लगी है। इसको कहाँ छिपाए? दुर्गा दुर्गा जी का चीज लग गई हमारे हाथ में। अब तो हमारे कस्टमर झूठ भी ना बोल पाएंगे और हमारे धंधे में घाटा भी ना होगा। दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बच्चों। बाबू ये स्पेशल गोरखपुर रॉकेट है, आग लगाते ही सीधा ऊपर जाएगा और चांद को टच करेगा। अरे तुम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? अरे कसरत से पैर जाम हुए पड़े जालिम, एक इंच भी नहीं झुका जा रहा है भाई, इसलिए तो खड़े खड़े फुलझड़ी जला रहे हैं। शालिनी जी के पप्पा ने जो दंड बैठक लगवाई है ना भाई, मर गए जालिम। अरे बुझ गई। कोई नहीं कोई नहीं, निकाल दूसरा था। छोरे पहलवान का नाम लिया, पहलवान हाजिर। दिवाली पे हाथ में अगरबत्ती दिए क्या कर रहा है? अगरबत्ती जी, ये तो फुलझड़ी है। पहलवान के हाथ में तो ये अगरबत्ती ही लगे है। ऐसी चीजों को तो मैं कान खुजा के और फेंक देता हूँ। मतलब आप फुलझड़ी से कान खुजाते? देखो अब ये बच्चों वाली दिवाली बहुत खेल ली, अब पहलवानों वाली दिवाली खेलो। मतलब कुर्ता उतार के लंगोट पहन के पटाखे जलाएं? अरे बेवकूफ। अरे कुर्ते में ही 200 दंड बैठक लगानी है। 200 दंड बैठक? दिवाली में कौन दंड बैठक लगाता गुरुजी? बाबूजी बताएंगे। पहलवान बनना है कि नहीं? पहलवान की होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, बिना दंड बैठक के पूरे नहीं होते। चल शुरू हो जा, चल। ए छोरे। जी बाबूजी। सुन जी, काउंटिंग शुरू कर दे। 200 से एक भी कम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा? नहीं तो 3 सजा मिलेंगी, थप्पड़, घूसा और लात। शुरू कर। हैप्पी दिवाली वन, हैप्पी दिवाली वन, हैप्पी दिवाली टू, पहलवान बनना है। करते रहो। हैप्पी दिवाली थ्री, थ्री, हैप्पी दिवाली फोर। अरे यार अच्छा फंसा दिया आलोक भाई ने इस पहलवान ससुर के चंगुल में यार। इसे चंगुल नहीं, इसे दंगुल कहते हैं बाबू। इतने सारे लड्डू बना के इतनों में कंजूसी? कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। इतना फीका। मम्मी शुगर फ्री कहा था, जरा भी शक्कर नहीं डाली आपने। नहीं डाल देती हूँ, लेकिन शक्कर कहाँ से लाऊं? कहाँ गई? यहीं तो रखी थी पिसी हुई शक्कर। मिल गई ना शक्कर। अब आएगा ना असली मजा। अब ये हुआ ना असली लड्डू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।